अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर अब जिले में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कदम उठा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इसको रोकने के लिए हमारे एक टीम बनी हुई है यहाँ पर, और उनके द्वारा कल भी 8-10 ट्रैक्टर और डंपर सीज भी किए गए हैं जो कि अवैध खनन कर रहे थे, और जो भी अवैध खनन करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और अभी क्योंकि बरसात का सीजन है, एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए, और उससे पहले भी डेली बेसिस पे हमारी टीम जा जाके कार्रवाई कर रही है।